हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन यू गेस मेरी हाइट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर आपकी हाइट लगभग 6 फुट होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू गेस कि इस नोट्स में कितने पेजेस हैं, तो आप कहोगे सर इस नोट्स में लगभग 200 या 250 पेजेस तो होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉटल का वेट कितना है, तो आप कहोगे सर इस बॉटल का वेट लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम तो होगा ही होगा। तो आप डे टू डे लाइफ में जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, तो जिस चीज़ का एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या फिर आंकलन लगाना। तो आप अंदाज़ा जब भी आप लगाते हो किसी चीज़ का, तो आप क्या क्या वर्ड बोलते हो हिंदी में, आप बोलते हो लगभग, करीब करीब, या तो मोटा मोटी, ये चीज़ इतना है या होगा, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता है। तो हिंदी में आप बोलते हो करीब करीब, मोटा मोटी, या फिर जो भी है लगभग। बट इंग्लिश में अगर आपको कन्वर्सेशन करना है, तो इंग्लिश में इन सारे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, आज मैं आप लोग के लिए वो सारे फ्रेज लेके आया हूं। चलिए देखते हैं कि हमारा वो नंबर वन फ्रेज क्या है। तो जब भी आपको इंग्लिश में एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट करके अपने कन्वर्सेशन को पूरा करना है, तो आपका पहला वर्ड है जो हमारा एस्टिमेट के लिए यूज करते हैं, वो है हमारा राउंड अबाउट। क्या है हमारा राउंड अबाउट। सेकंड है हमारा अप्रॉक्सीमेटली। क्या है अप्रॉक्सीमेटली। तीसरा है हमारा नियरली, और चौथा है हमारा मोर और लेस, और पांचवा और लास्ट हमारा है रफली। सो पहला हमारा है राउंड अबाउट, अप्रॉक्सीमेटली, फिर तीसरा हमारा क्या है नियरली, फिर मोर और लेस, उसके बाद रफली। इन सब का मतलब होता है लगभग, करीब करीब और मोटा मोटा। तो आपको अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में जब भी कुछ एस्टिमेट करके बोलना होगा, तो आप इन सब वर्ड्स का यूज़ करके आप बोल सकते हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। वी वर मोर और लेस द सेम एज, हम लोग लगभग एक ही एज के थे। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, सर देर आर अप्रॉक्सीमेटली 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सर क्लास में लगभग 40 स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।